अरे आजा आजा, सही है, आ गया। अब मेरे कपड़े बहुत अच्छे धुलेंगे। अरे इसमें तो मिट्टी लग गई। हे भगवान, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। बीच के किनारे आके कपड़े धोने का मजा ही कुछ और है। मामी, ये बीच में क्या कर रही हो? रेत में कपड़े कौन धोता है? अरे रेत में थोड़ी कपड़े धो रही हूँ दीदी। आपके हेयर स्टाइल को क्या हुआ? हाँ, वो मैंने नई विग खरीदी यहाँ से। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, अच्छी लग रही हो। शॉप वाली कह रही थी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो उसपे, तो मैंने सोचा क्यों ना लगा के घूमूं यहाँ पे। कहाँ है शॉप वाली, दिखाओ जरा, उसका मुंह तोड़ूंगा भी मैं जाके। कैसे झूठ बोल दिया आपसे? मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रहे हो। वही तो, दो तीन लड़के तो पलट पलट के देख रहे थे, मैंने बोला अरे मैं मैरिड हूँ। आपके कोई कपड़े तो दे दो, मैं दिल्ली जाके कपड़े नहीं धोऊंगी, यहीं पर धोऊंगी। देखो भाई, मैं यहाँ कोई कपड़े नहीं धुलवाने वाली, रेत में सारे रेते रेते हो गए कपड़ों में। अरे रेत हो गई तो पानी में जाके साफ भी तो हो जाएंगे। देखो अभी मैं करके आती हूँ, मेरी चप्पलों का ध्यान रखना। हाँ हाँ, देखो अभी मैं कैसे कपड़े धोकर आती हूँ। देखा, सब लोग हमको ही देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो भाभी, आप पागल तो नहीं हो गई हो? अरे सबके देखने से क्या फर्क पड़ता है, हमें खुद को साफ रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर यहाँ पर नीले आसमान में नीला नीला समुद्र के सामने कपड़े अच्छे नहीं धुले तो कहाँ धुलेंगे बताना? घर पे। अरे घर पे वैसे भी बहुत काम होता है भाभी। दीदी मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके कपड़े भी धो दूँ? अरे अरे पागल हो क्या, मैं क्या फेंकूँगी घर तक? दो, आपकी विग भी धो दूँ। कुछ भी टच कर लेना, मेरी विग टच नहीं होनी चाहिए, पहली बता रही हूँ। जल्दी धो, मेरी फोटो खींचो यहाँ पे। हाँ, हाँ, मेरी पीठ जल रही है। ये लो अपनी पीठ पे, ठंडा ठंडा रख लो। नहीं नहीं नहीं, पागल कहीं की, कोई यहाँ पे कपड़े धोता है? मैं धोती हूँ ना, देखो सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, क्योंकि मैं काम ही इतना अच्छा कर रही हूँ। स्वच्छ भारत अभियान, भारत के लोग आके अगर यहाँ पर काम नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? देखो उस लड़की को कैसे कैसे कपड़े पहन के घूम रही है, शर्म नहीं आती यहाँ पर लड़कियों को भी? मन तो मेरा भी बिकिनी पहनने का। क्या बहुत तेज शर्म लड़कियां हैं, पता से कभी ना पहनूं, है ना? मैं भी ना पहनूं दीदी, शर्म आती है बहुत ज्यादा। मुझे भी, बट मेरी विग ने जो कमाल किया ना आज, वो कोई नहीं कर सकता। बिकिनी नहीं पहनी तो क्या, विग तो पहन ली, और सुंदर भी तो इतनी लग रही। मैं वहां जा रही हूँ, मेरी फोटो खींच लेना, ठीक है? ठीक है ठीक है, आप जाओ 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 जाओ, डूब जाना, जाओ जाओ, आगे और आगे डूब जाओ, आगे और आगे जाओ। अरे क्या डूब जाओ क्या जाके? अरे डूबोगी नहीं, आपको तो वैसे भी स्विमिंग आती है। आती है, ठीक है, यहाँ से खींच लेना मेरी फोटो, यहाँ खड़ी हूँ मैं। हाँ हाँ, चली जाओ चली जाओ, पूरा आगे चली जाओ और डूब भी जाओ। मैं अपने कपड़े तो आराम से धोऊंगी। हे भगवान, पानी की लहरें तो बहुत तेज आ रही है। अरे भाभी कहाँ चली गई, फोटो तो खींचो भाभी। अरे कहाँ, ये कपड़े सुखाने जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, हर जगह जाएंगी यही हरकत करती रहेंगी। मैं बाहर निकल जाती हूँ, फिर मैं डूब जाऊँ। धुल गए ना अच्छे से कपड़े, मेरे कपड़े भी गीले हो गए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कपड़े धुलने चाहिए। इनका कच्चा, दो ही कच्चे लेकर आए थे, बहुत ही अजीब है। मैंने पैकिंग नहीं कराई इस बारी तो ये हाल है, सोचो। अच्छे से सूखना, अब इसको भी सुखा देती हूँ, ये तो मेरी चुन्नी है। अरे भाभी आप क्या पागल, कहाँ सुखा रही हो? अरे ये बोट है, बोट के आगे ये तार है, सुखाने के लिए ये, कपड़े सुखाने के लिए। बोट निकल जाएगी और आपके कच्चे भी निकल जाएंगे, और ये शर्ट भी। क्या बात कर रही हो, आपके भाई के पास दो ही कच्चे हैं, ये निकल गया तो वो क्या पहनेंगे, गंदा कच्चा पहनेंगे दो दिन? तो यहाँ मत सुखाओ, होटल ले चलो, होटल में सुखाना। नहीं नहीं, यहीं पर सुखा के लेके चलेंगे, उनको नहाना भी है ना, यहीं पर सूख जाएगा तो अच्छा रहेगा। आप तो बिल्कुल पागल हो गई हो, तभी कहती हूँ मत आया करो दिल्ली इंडिया से बाहर। अरे ये तो फिर गीला हो गया, एक काम करती हूँ बोट पर ही जाके सुखाती हूँ। अरे यार ये तो पागल हो गई, इनको रोकना पड़ेगा, वरना बोट के साथ ये कपड़े भी चले जाएंगे, फिर मेरे पास आएंगे मांगने के लिए। अरे भाभी सुनो, चलो चलो चलो, तू इधर जा, तुम दोनों भी इधर जाओ, पहले इनको निचोड़ लेती हूँ अच्छे से, यहाँ पर ना ये गीले होंगे और ना ये गिरेंगे। तू भी आ जा, जल्दी सूख जाना, ठीक है? सुखा दिया आपने? सुखा रही हूँ दीदी, देख नहीं रहे हो? आप भी अपने कपड़े ले आते तो इंडिया जाके मेरा काम नहीं बढ़ता। वैसे तो आपका काम करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तब भी हो जाता है ना एक्स्ट्रा थोड़ा। ये किसकी शर्ट है? आपके भैया की। वो कब से ऐसी शर्ट पहनने लगे? बीच में आके तो सब पहन लेते हैं। अब इसको मैं वहीं से बैठ के देखूंगी, एक घंटा लगेगा सूखने में, एक घंटे के बाद उठा दूंगी सारे कपड़े, ठीक है? तब तक मेरी फोटो ही खींच दो। चलो आपकी फोटो ले लूं पहले, चलो चलो। तुम कहीं मत उड़ना, थोड़ी देर में आती हूँ तुम्हें उठाने के लिए, ठीक है? वैसे कहाँ जाएंगे उड़ के, हमारे कपड़े हमारे पास वापस आ जाएंगे।